मैं आपके सामने आज परसेंटेज लेकर आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। परसेंट हमारे जीवन के लिए भी उतना उपयोगी है जितना का इसका लाइफ में यूज, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना ही हम मैथ में यूज करेंगे। लाइफ का ये एक पार्ट है और परसेंटेज हमेशा देखें, क्योंकि जब हम सामान भी खरीदने जाते हैं तो कोई दुकानदार आपसे बोलता होगा कि 10% आपको दे रहे हैं डिस्काउंट, तो रिबेट, प्रॉफिट, डिस्काउंट, बट्टा, लॉस, जितने भी हमारे हैं कार्य या टाइम एंड वर्क के तहत भी हम देखते हैं कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, 40% अधिक है, तो परसेंटेज को देखना और समझना बहुत जरूरी होगा। और आज हम परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं कैसे हम लोग बात करेंगे। परसेंटेज में आज संडे है तो हम लोग संडे को एक नया परसेंटेज, आज संडे को हम परसेंटेज का वैल्यू क्लियर कर लेंगे और कल से हम 9100+ किरण बुक का जो एसएससी का आता है उस पे वर्क करेंगे हम। तो परसेंटेज क्या है इसके बारे में हम वैल्यू पे बात करें। पहले पहला चीज हमारा होगा, आप देख सकते हैं कि यहां से आपका परसेंट होगा, यहां से इंक्रीजिंग वैल्यू होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू होगा और यहां से डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग इसको लाभ भी बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं, इसको लॉस बोलते हैं यानी हानि, इसको लॉस। ये जब हमारा परसेंटेज क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम जाते हैं तो यही चीज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज वाला ही वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में काम करने लगता है। या इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ वृद्धि होता है और डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ से कमी होगा। इसका दूसरा नाम हमारा हो जाएगा हानि लॉस। आप देख सकते हैं यहाँ से परसेंट का हिंदी होगा प्रतिशत और यहाँ से आपका डेसिमल वैल्यू होगा, यहाँ से डेसिमल वैल्यू P/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं P/2 के रूप में। तो यहाँ से इसको दशमलव मान देते हैं। यहाँ से केवल आप देखिए, मैं आपका आज वैल्यू क्लियर कराने वाला हूँ। परसेंटेज का वैल्यू कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं जरा ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे आप एग्जाम में जाते होंगे तो 5% देखे होंगे, 5% का जब आप ऐसा वैल्यू कैसे होगा, इसको इंक्रीज जब करेंगे तो 1.05 होगा, यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो 0.95 होगा और यहाँ से डेसिमल वैल्यू 0.05 हो सकता है। अब यहाँ से 10% का जब जाएंगे तो इंक्रीजिंग वैल्यू 1.1 होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू 0.9 होगा। कैसे होगा आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसको याद नहीं करना पड़ेगा। इसको 2-4-10 दिन बनाएंगे तो अपने आप ब्रेन में सेट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे और हमारा असाइनमेंट मटेरियल जब हम क्लास लेते हैं, हम अपना ऑफलाइन क्लास, तो उसमें बच्चे को 1 से 2 दिन में इसको हम क्लियर कराते हैं और ब्रेन में एडजस्ट करा देते हैं। जो मेरे दोस्त मेरे मित्र क्लास रेगुलर आते हैं उनको सिखाने का मैं अथक प्रयास करता हूँ कि उनको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से 0.1 हो जाएगा, 0 लगा सकते हैं अच्छा लगने के लिए, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। यहाँ से 15% का इसी प्रकार से देख सकते हैं 1.15 और ये 0.85। डेसिमल वैल्यू क्या होगा इसका 0.15, 0 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 20% का भी आप देख सकते हैं, किसी भी वैल्यू का देख सकते हैं 17%, 18%, लेकिन एक हम बता रहे हैं आपको कि 1.2 हो जाएगा इसका और यहां से होगा 0.8 और यहां से आप देख सकते हैं इसका मान होगा 0.2। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं इस पे आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको फिर आपका जो है पूरा वैल्यू वो मैं बोर्ड पे अभी दिखाने वाला हूँ, पहले इसको समझा दूंगा। पहले 20% के बाद आप छाप लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो हम इसके बाद अगले
वैल्यू के बारे में इस पे बात करेंगे, क्योंकि 20% पे काम हो चुका है हमारा। इस तरह से हम 25% पे काम कर रहे हैं कि 25% का इंक्रीजिंग वैल्यू 1.25, डिक्रीजिंग वैल्यू 0.75 और डेसिमल वैल्यू 0.25। ये संडे क्लास हमारा एक ऐसा होगा जो एक नया टॉपिक लेकर आएगा, और हर संडे को कुछ नया टॉपिक हम लेकर आएंगे, आप साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ से 30% कब ले लेंगे, इसका इंक्रीजिंग वैल्यू होगा 1.3, डिक्रीजिंग वैल्यू होगा 0.7 और यहाँ से डेसिमल वैल्यू होगा 0.3। दोस्तों मित्रों, जितने मेरे बंधु भाई हैं वो सारे से मैं बताना चाहूंगा कि ये वैल्यू हम लोग बहुत शुरू से ही करते आ रहे हैं, और परसेंटेज का क्वेश्चन को छोटा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ से 40% आप देख सकते हैं, 1.4, यहाँ से 0.6 और यहाँ से 0.4। आप 50% का देख सकते हैं, 1.5, यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.5। इसमें आप जीरो लगा देते हैं कि अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है, पीछे जीरो लगा सकते हैं। यहाँ से 0.5 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और किसी प्रकार आगे जो हमारा होगा मान, उसको हम दिखा रहे हैं आपको कैसे कैसे होगा। आप परसेंट का वैल्यू खोल के नहीं रखिए, किताब बच्चों को दिखाएंगे हम लोग। अब यहाँ से 60% को देख सकते हैं, 60% का हो चुका है अभी। 70% का हम देखते हैं कैसे हम करेंगे, 1.7, 0.3 और यहाँ से 0.7। जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं अच्छा लगने के लिए। 80% है, 1.8, 0.2 और यहाँ से 0.8। जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। 90% का आप देख सकते हैं यहाँ, 1.9 और 0.1 और 0.9। फिर मैं जैसा बता रहा हूँ, जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% का एक्चुअली मेरे दोस्तों क्या होता है, मेरे भाई की इसका मान जो है, मेरे मित्र जो है उनसे बातें हो रही हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहने, उनसे भी बातें मैं कर रहा हूँ कि 100% का इंक्रीजिंग वैल्यू 2 होता है और डिक्रीजिंग वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि जब 100 से कमी जब आता है तो 0 हो जाएगा और इसका डेसिमल वैल्यू 1 होता है। तो एक्चुअली हम इस पार्ट को याद नहीं करेंगे, क्योंकि 100% पे पूरा परसेंटेज होता है, जितना भी परसेंट का काम होता है हमारा किस पे होता है, 100% पे। तो इस बात को याद रखेंगे। अब पूर्णांक में हम चलते हैं कि पी बाई टू के रूप में कैसे हमारा होता है। आप ऊपर का वैल्यू देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई यानी इंक्रीजिंग या पी। आई यानी इंक्रीजिंग, पी मतलब प्रॉफिट। इसको हम ले सकते हैं डिक्रीजिंग या इसको लॉस लिख सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग का मतलब वृद्धि लिख सकते हैं, और इसको लाभ, इसको कमी, इसको हानि लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं परसेंट यानी प्रतिशत। अभी जब मैं फ्रैक्शनल के रूप में यानी पी बाई टू के रूप में इसको बात करूंगा, ये आपका डेसिमल वैल्यू होगा। डेसिमल वैल्यू यानी कि दशमलव मान। दशमलव मान क्या होता है वो जानना भी जरूरी है। जैसे 6 × 2/3% का बात अभी कर रहे हैं। आप मेरे साथ मित्रों जुड़े हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं कि 6 × 2/3% का कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहां से सबका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप मेरे साथ पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे कि किसी वैल्यू को याद नहीं करना है, क्यों नहीं याद करना है, कैसे नहीं याद करना है, यही हम बताएंगे आपको। 6 × 3 = 18 × 2 = 20, 20/3% है, इसको जब हम परसेंट काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 20/25 100, इसलिए इसका मान कितना होता है, 1/15। जब इंक्रीजिंग में जाता है तो 100% का मान होता है, पी बाई टू का रूप में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 से 15/16 इंक्रीज होगा, यानी इसका मान होता है 101 से
एक बटे 15 इंक्रीज करेंगे यहाँ से, इसका डेसिमल वैल्यू आप देख सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा 16/15, डिक्रीज होगा भी तो एक से होगा, और एक से एक बटे 15 अगर डिक्रीज करते हैं तो इसका मान होगा 14/15। आप इस तरह से आठ पूर्णांक को 1/3% का भी निकाल सकते हैं, यानी कि 24/25/3 आप देख सकते हैं। इसको मैं घेर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आठ पूर्णांक 1/3% का हो जाएगा यहाँ से 24/25/3% हटा देंगे कितना होगा 100, 25 100, 1/12। आप जैसे ही कटाएंगे 1/12 आएगा, उसका इंक्रीजिंग वैल्यू 1/12 जब एक से जुटेगा तो ये 13/12 होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू एक से 1/12 घटेगा तो इसका मान 11/12। तो इस तरह से हम निकालते हैं, 12 पूर्णांक 1/2 का वैल्यू होता है 1/8, तो डिक्रीजिंग होगा 7/8 इंक्रीजिंग होगा। तो हम निकाल कर आपको बताते चलेंगे। इसको मैं घेर दिया और घेरने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12 पूर्णांक 1/2 का आ जाए, 13 पूर्णांक 1/3 का आ जाए, तो इसका जो वैल्यू है 12 पूर्णांक 1/2 का 1/8 आएगा, इसका इंक्रीजिंग वैल्यू कितना आएगा 1/8 यानी कि 9/8, इसका डिक्रीजिंग वैल्यू कितना आएगा 1/8 से 7/8। तो बच्चों से थोड़ा बात कराइए मुझे, यहां से मैं और सारा वैल्यू इनको बताने वाला हूं जो मेरे साथ जुड़े हैं। जो मेरे दोस्त हैं अभी उनको बताने वाला हूं और बहुत सारे वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। मेरे जितने हैं चाहे रोहित, नितेश, सुमित, मिस्टर गौरी, राहुल, रवि, शुभम, जितने मेरे मित्र जुड़े हैं उनसे बातें हो रही हैं अभी और बहुत अच्छा लगता है। मुन्ना भाई, आपका तो नाम मुझे याद हो गया मुन्ना भाई, और हंसराज, जैक, दीपक, मिस्टर गौरी, शेषनाथ चौबे, क्या हाल है जी शेषनाथ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी लोग जो मेरे साथ, गुलशन भाई, जितने आज संडे का मौका था तो हम सोचे कि घर पे बैठने से बढ़िया है कि एक घंटा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, क्योंकि कल भी हम क्लास नहीं ले पाए थे आपका। राधे राधे, जितने मेरे निरंजन भाई, सुमित भाई, ओम प्रकाश, जितने लोग जुड़े हैं, सनोज भाई, सिंगर पीलू यादव, द फ्रेंड शशिराज, अनिश, शेषनाथ चौबे, जितने व्यक्ति, सब लोग को मेरे तरफ से बहुत ही आशीर्वाद और दुआ। गॉड आपको सपोर्ट करे आगे ले जाने में। रंजन, दीपक, सोनू, राहुल, विवेक, जितने मित्र हैं उनसे बातें हो रही है कैसे हम इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। इंक्रीजिंग है ये, इसको प्रॉफिट भी बोलते हैं, बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिक्रीजिंग है, ये लॉस है, और यहाँ से आपका वैल्यू है परसेंट, और यहाँ से डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है इसका, डेसिमल वैल्यू के बारे में। तो जैसे आपका 13/1/3 आएगा, कोई याद नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा कि कोई वैल्यू हम लोग को याद नहीं करना है। 13/1/3 को आप तोड़ेंगे तो 100/3 आएगा, यानी कि इसको हम जैसे आपको तोड़े देते हैं, ध्यान सुनेंगे, 43 40/3, और नीचे क्या आने वाला है 100, तो 100 और 3 नीचे आएगा, और 0 से कटाएंगे तो यहाँ से आपका 2 से कटेगा, 2 × 4 = 5, यानी 2/15। यहाँ से इंक्रीजिंग वैल्यू में जब जाएंगे तो 1 से 2/15 जोड़ेंगे तो 15 × 17 = 15, डिक्रीजिंग जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2/15 यानी कि 13/15। इस प्रकार से हम इसको याद नहीं करेंगे। जैसे आपका आ जाए 16/2/3 कैसे होगा, 1/6 होगा इसका, जैसे आप देख सकते हैं 16 × 48 = 50, अब 3 परसेंट है आपका, परसेंट हटाएंगे आपका 50 × 100 यानी 1/6 इसका मान आएगा। इंक्रीजिंग वैल्यू 1 से 1/6 यानी कि 7/6, डिक्रीजिंग वैल्यू 1 से 1/6 यानी कि 5/6। हम इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। आपको मैं और बता दूं कि किस तरह से वैल्यू निकलेगा हमारा, 16/2/3 हो गया, 33/1/3 ले लेते हैं, या जितने भी आपका पूर्णांक का वैल्यू है सब का निकल जाएगा, 37/1/2 है, बस घबराना नहीं आपको,
तैतीस पूर्णांक एक बटे तीन का मैं ले लू, तैतीस तिरानवे सौ बटे तीन परसेंट हटाएंगे सौ हो जाएगा, कट जाएगा एक बटे तीन होगा, इंक्रीजिंग करेंगे तो एक से एक बटे तीन यानी कि चार बटे तीन, यहाँ से डिक्रीजिंग करेंगे एक बटे तीन तो यहाँ से दो बटे तीन। ध्यान से देख रहे होंगे आप वैल्यू कैसे निकलता है। अभी आपने कुछ देखा था शुरू में जो मैं आपका एक्सप्लेनेशन अभी करने वाला हूँ, और वो था हमारा वैल्यू की परसेंट है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको दशमलव हिंदी में बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ दशमलव में, इसको इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धि बोलते हैं, इसको लाभ भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में यही चीज लाभ के रूप में काम करेगा, और ये आपका हानि होगा जिसका नाम हो जाएगा कमी, हानि इसको या तो कमी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं हानि। तो केवल आपको ध्यान देना है कैसे हमको याद करना है, कैसे ब्रेन में इसको एडजस्ट करना है, ये देखना है मेरे साथ आपको। मैं बता रहा हूं कि 100% का ओरिजिनल वैल्यू एक होता है, 100% का ही मान एक होता है मित्रों, और मेरे से आप जुड़े हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और कल से फिर हम बुक लेकर आएंगे एसएससी किरण का बुक जो मैंने बताया था आपको, तो फिर से एक बार आपको दिखा दूं, ये किरण का बुक है और एसएससी इकानवे सौ सीट है, यहाँ से बच्चों का डिमांड है और बच्चों के लिए हम काम करते हैं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन एक सेकेंडरी है, पहला प्रेफरेंस मैं इसको पर्सनल देता हूं, पहला प्रेफरेंस मेरा ये जिंदगी का कि बच्चों से मैं जुड़ूं, और जितने मेरे बच्चे हैं जुड़े हैं जो उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके लिए कुछ करो, उनको कुछ सिखाऊं, जो मुझे जितना आता है, जितना मुझे गॉड ने सिखाया दिया है मुझे योग्यता, मैं जितना कर्म किया हूं उसको उतना मैं चाहता हूं अपने बच्चों के साथ शेयर करूं। तो यहां से ध्यान देंगे कैसे 5% को हम जोड़ते हैं, तो पहले आप देख सकते हैं 5%, तो परसेंट जब हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और यहां से जब भाग देंगे तो 0.05 यानी कि आगे जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि 0.2 या 0.02 एक ही सॉरी इसका मतलब गलत हो जाएगा, ये 0.2 यानी इसका पॉइंट लगा दिए तो इसको आगे जीरो लगा सकते हैं, तो इसके आगे जीरो इधर लगा दिए हम, इधर पीछे साइड में इसको लगा दिया, अब इंक्रीजिंग वैल्यू है तो 100% आपका है और उससे 5% इंक्रीज हो गया यानी कितना हो जाएगा 105%, परसेंट जब हटाएंगे हम तो इसका मान होगा 1.05, जब डिक्रीजिंग में बात करेंगे तो 100% है और -5% यानी 95% हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे 100 यानी 0.95, इसको जीरो लगा सकते हैं अच्छा लगता है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से 10% का बात करें तो इंक्रीजिंग वैल्यू 100% है और 100 से 10% हो जाएगा 110%, और ये परसेंट हटाएंगे तो ये बच्चों 1.1 मेरे मित्र जो है वो कितना हो जाएगा 1.1, और डिक्रीजिंग वैल्यू अगर मित्र निकालेंगे तो इसका मान होगा 100% और -10% यानी कितना होगा भाई 90% हटा देंगे तो 100 हटा देंगे तो कितना होगा 0.9, और डेसिमल वैल्यू अगर निकालते हैं तो 10% का परसेंट हटाने पे कितना मान आएगा 0.1, आप देख सकते हैं। और थोड़ा ये सारे मित्र को एक और बस बता दूं 15%, इसके बाद एक जो मेरा असाइनमेंट है मटेरियल उसको वीडियो के द्वारा आपको प्रोजेक्टर के द्वारा आपको यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले कराऊंगा और आप देखेंगे उसको 5 मिनट के लिए, 15% माना तो 15% का क्या हो जाएगा 100% है, इसी प्रकार 15% वृद्धि वैल्यू क्या हो जाएगा 115%, हटाएंगे कितना होगा 1.15, डिसिमल वैल्यू यहां से इंक्रीजिंग था ये डिक्रीजिंग है, 100% से 15% यानी कि आपका 85%, परसेंट हटाएंगे कितना होगा 0.85, अब डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो 15% का परसेंट हटाएंगे तो कितना होगा 0.85, इस तरह से हम निकालेंगे। थोड़ा दिखाइए हम लोग का मटेरियल बच्चों को, आप देख सकते हैं मटेरियल मेरा, और बिल्कुल आराम से आप देखें कि कैसे 5% का वैल्यू 1.05 लिखा गया है आपको अभी जैसे मैं बताया,
और यहाँ से डिक्रीजिंग वैल्यू यानी कि लॉस भी लिखा हुआ है, यानी कि हानि के रूप में काम करेगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस में हम काम करेंगे तो यही वैल्यू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम में आ जाएगा। और 5% का डिक्रीजिंग वैल्यू आपको मालूम है, इंक्रीजिंग वैल्यू 1.05, डिक्रीजिंग 0.95 एंड डेसिमल वैल्यू के बारे में जब बात करें तो 0.05, चाहेंगे तो आगे जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। 10% में आएंगे तो 1.1, डिक्रीजिंग वैल्यू 0.9 और डेसिमल वैल्यू 1.1, इसको थोड़ा ऊपर उठाइए धीरे धीरे। 15% का आप देख सकते हैं कि 1.15, 0.85, 0.5। 20% का आप देख सकते हैं कि 1.2, 0.8 और वहां से 0.2। इस तरह से आप 25% का देखें, किसी को भी आप देख सकते हैं 25% का डेसिमल वैल्यू 0.25, इंक्रीजिंग वैल्यू 1.25, डिक्रीजिंग वैल्यू 0.75 आप देख सकते हैं। 30% का आप देख सकते हैं 0.3, 1.3, 0.7, इस प्रकार से आप देखते जा रहे होंगे, आप वैल्यू देखते रहेंगे। 60% का 1.6, 0.4, 0.6, 70% का 1.7, 0.3, 0.7, 80% का 1.8, 0.2, 0.8, ऊपर उठाइए और उठाइए, इसको दिखाएं हम बच्चों को अपना। 90% आप देख सकते हैं 1.9, 0.1, रुक जाइए और नीचे करिए और नीचे करिए और नीचे करिए, हाँ 1.9, 0.1 और यहां से आप देख सकते हैं 0.9। इसी प्रकार आप पूर्णांक का जो है 6 × 2/3%, इसको जब तोड़ेंगे तो 36 × 18 = 20% आएंगे, परसेंट 100 आएगा, 20 × 25 = 100 यानी 1/15। इंक्रीजिंग वैल्यू जैसा मैं अभी बताया 16/15, डिक्रीजिंग वैल्यू जैसा मैं बताया 14/15। 8 × 1/3% का आप देख सकते हैं 1/12, उसी तरह से हमारा 13/12, 11/12, 12.5% का देख सकते हैं 1/8, यहाँ से 9/8, यहाँ से 7/8, मतलब निकालने का तरीका देख सकते हैं। और सारे वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, ऊपर उठे इसको थोड़ा 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 ऊपर उठे इसको लास्ट उठाओ और उठाओ और चलिए देख सकते हैं यहाँ पे आप, बिल्कुल सारा वैल्यू आपको दिख रहा होगा। आप इसको वीडियो को बार बार देखें, आपका परसेंट का वैल्यू जब अच्छा हो जाएगा तो आप परसेंट को बहुत अच्छे तरीके समझने लगेंगे और बनाने लगेंगे। और मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ, बात करेंगे बच्चों से जो मेरे मित्र हैं अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़े हुए हैं। चलिए राधे राधे भाई, जितने मित्र हैं, मार्कंड भाई, संजीव, जितने मेरे अशोक भाई लोग हैं, जितने लोग हैं, हंसराज, पप्पू भाई, गुड्डू, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, गुड नाइट, राधे राधे। चलिए डिस्कनेक्ट किया जाए बच्चों लोग को, आप लोग रेस्ट करेंगे।